नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। आज हम बनाएंगे रोटियों के लड्डू। कभी कभी बहुत सी रोटियां बच जाती हैं तो हम उनके लड्डू बना सकते हैं मीठे में, या हम नमकीन उनके फाफड़े भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने रोटियां ली और रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हमने इसे मिक्सी में चलाना है, जिससे मिक्सी में चल के पूरा एकदम भूरे की तरह टूट जाए। इसमें हमने एक चम्मच घी डाला है और आधा कप गुड़ डाला है, और घी और गुड़ को मिला के अभी गैस पे मेल्ट कर रही है। देखिए, गुड़ अपने आप घी में मेल्ट हो जाएगा। गुड़ घी में अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। तीन रोटियों का हमारा ये एक कप पाउडर हुआ है। ये हमारा गुड़ इसमें पूरा अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम ये पाउडर रोटी मिला देंगे। बहुत ही आसान है और इतनी अच्छी है मिठाई बनती है। आप इसमें जितना भी काजू, किशमिश, बादाम जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं तो ज़रा सा इलायची डालूंगी आज। ये देखिए अच्छी तरह चाशनी की तरह बन गया है। इसमें गुड़ की जो है गुड़ एकदम बनने लगेगा। ज़रा सा इसे ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा इलायची का पाउडर मिला देती हूँ। बच्चे ऐसे नहीं खाते, और इसमें गुड़ है, घी है और रोटियां हैं, तो सभी फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन इस फॉर्म में बड़ी खुशी खुशी खा लेंगे। लड्डू ठंडा हो रहा है, चलिए हम एक खाखड़ा बना लेते हैं। तो इसमें हल्का सा घी लगा दीजिए दोनों साइड। के बाद हम इसे खाखड़े के इसमें बना सकते हैं, और नहीं तो आप तवे पर भी इसे दबा कर सेक सकते हैं। तवे पर भी खाखरे इतने ही अच्छे बनते हैं। ये देखिए, हमारा खाखरा बन रहा है, एकदम कड़ा हो गया है। ज़रा सा और सेक लेते हैं। खाखरा देखिए एकदम बनकर तैयार है, एकदम क्रिस्प हो चुका है। अब हम इसे जब तक ठंडा होता है तब तक हम लड्डू बना लेते हैं। देखिए आपके कितने खूबसूरत लड्डू बन रहे हैं इसमें। अगर हाथ में चिपके तो आप थोड़ा सा पानी लगा के लड्डू बांध सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम अंदर से सॉफ्ट हैं लड्डू। देखिए ग्रेन्स, देखिए इनका, ये जो रोटी है उनके ग्रेन्स इतने खूबसूरत आए हैं, और स्वाद में तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये। और अब हम बनाते हैं अपना खाखड़ा। ये हमने खाखड़े का बेस बना लिया। इस पे आप थोड़ा सा लगा दीजिए बटर। बटर लगाने से क्या होता है, जब आप इसके ऊपर चटनी लगाएंगे तो जल्दी सौगी नहीं होगा ये। वैसे आपकी चॉइस है, अगर आपको बटर नहीं खाना तो बटर स्किप कर सकते हैं। अब इस पे आप लगाइए हरी चटनी। हरी चटनी पे थोड़े टमाटर काट डालिए। टमाटर का हमने अंदर का गीला पोर्शन हटा लिया है, नहीं तो बहुत जल्दी सौगी होगा। सिर्फ हमने ऊपर वाला पोर्शन लिया है, और अंदर का जो पोर्शन है वो आप किसी भी सब्जी वगैरह में व्यवहार में ला सकते हैं। मैंने प्याज नहीं डाला, प्याज डाल सकते हैं, प्याज का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ी हरी मिर्च, आज हमने पुदीना पत्ती डाली है क्योंकि गर्मियों का समय है। आप पुदीना पत्ती डालिए, धनिया पत्ती डालिए। और अब आप डालिए थोड़ा नमक,
चाट मसाले के बिना तो किसी भी तरह की चाट कंप्लीट नहीं होती है, तो थोड़ा सा चाट मसाला। और सबसे लास्ट में आप ये डालिए भुजिया। भुजिया से देखने में ही बहुत खूबसूरत होता है और खाने में तो क्रंची हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ये है हमारे खाखड़े और ये है हमारे लड्डू। कौन कहेगा कि बची हुई रोटियों क्या है।